सूर्य तना का शाब्दिक अर्थ है। सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना, पुराणों में यमुना सूर्य पुत्री कही गई है। सूर्य की छाया और संज्ञा नामक दो पत्नियों से यमुना, यम, शनिदेव तथा वैवस्वत मनु प्रकट हुए। इस प्रकार यमुना यमराज और शनिदेव की बहन है। भातृद्वितीया भाइया द्विज भाई बीज या भावबीज पर यमुना के दर्शन और मथुरा के दर्शन करने का विशेष महत्व है। यमुना सर्वप्रथम जल रूप से कालिंद पर्वत पर आई, इसलिए इसका नाम कालिंदी भी है। सप्त ऋषि कुंड, सप्त सरोवर कालिंद पर्वत के ऊपर ही अवस्थित है। यमुनोत्तरी धाम सकल सिद्धियों का प्रदान करने वाला कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पट रानियों में से एक प्रियतर पट रानी कालिंदी यमुना भी है। यमुना के भाई शनिदेव का अत्यंत प्राचीनतम मंदिर खरसाली में है। यमुनोत्री धाम में कपाट बंद को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और माँ यमुना जो है अब 6 महीने शीतकालीन मंदिर खरसाली गांव में रहेगी। जो ये मंदिर है माँ यमुना का है और यहीं पर माँ यमुना जो है 6 महीने प्रवास करेगी। 6 महीने जो आम श्रद्धालु है उनको दर्शन देगी। यहाँ पर पूरी तैयारी मंदिर समिति की तरफ से कर ली गई है। साथ ही अभी यमुनोत्री धाम में भी पूजा अर्चना चल रही है। पंडित जी कितनी तैयारी आप मान रहे हैं अभी और क्या स्थिति अभी यहाँ पर क्या आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे अभी तैयारी? ये जो तैयारी है ये हमारे पूरे जो यमुना घाटी है और पूरे हमारी ग्राम सभा जो खरसाली है ये पूरा गांव आज जो है तन मन धन से माँ यमुना के स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर रही है। और जो इसके बाद जो भी श्रद्धालु आज काफ़ी लोग बाहर से आएंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस माँ यमुना के जो ये खरसाली है। खुशी मठ है जो शंकराचार्य जी की गद्दी बना रखी है। खुशी मठ में यमुना जी की पूजा होती है, मुखी मठ में गंगा जी की और रुखी मठ में केदारनाथ जी की और जोशी मठ में बद्रीनाथ जी की। जो ये जो 4 मठ हैं ये अपने में एक बहुत ही पुण्य क्षेत्र हैं जहाँ पे जो इसके बाद जो शीतकाल में जो लोग यहाँ पूजन दर्शन के लिए आते हैं उनको बहुत ही फल मिलता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं फल मिलता है। पूरी तैयारियां हो चुकी है। माँ यमुना का जो मायका है खरसाली यहाँ पर बड़ी बेसब्री से लोग इंतजारी कर रहे हैं कि अब माँ यमुना आएगी यहाँ पर और लोगों को जो है आशीर्वाद देगी, फल देगी। आज पे तीज के उपलक्ष्य पे माँ यमुना के कपाट बंद हो गए। माँ यमुना की पूजा दर्शन 6 महीने इसी मंदिर में हो गए। ये मंदिर खरसाली खुशी मठ में माँ यमुना के दर्शन पूजा इसी में।